कोरोना काल में भारत सरकार और आरबीआई देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रहे हैं। साल 2021 तक देश में डिजिटल लेन देन 4 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में लोग डिजिटल लेन देन के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का काफी इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई के जरिए हर महीने करोड़ों का लेन देन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में तकनीक के बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। हैकर्स आम लोगों को ठगने के लिए रोज नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि सुरक्षित एप्लीकेशन पर ही आप यूपीआई पिन का इस्तेमाल करें। सावधानी के लिए भीम यूपीआई जैसे सुरक्षित एप्लीकेशन पर ही यूपीआई पिन का इस्तेमाल करें। अगर किसी वेबसाइट या फॉर्म में यूपीआई पिन डालने के लिए लिंक दिया गया हो तो उससे बचें। लेन देन करते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि आपसे यूपीआई पिन डालने के लिए सिर्फ तभी कहा जाएगा जब आपको पैसे भेजने हो। यदि आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं और उसके लिए आपसे यूपीआई पिन मांगा जा रहा है तो जान लें कि ये फ्रॉड हो सकता है। आपका यूपीआई पिन एटीएम पिन की तरह होता है, इसलिए इसे किसी के साथ साझा ना करें। ऐसा करने पर जालसाज उसका गलत इस्तेमाल करके आपको ठग सकते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक अंतर बैंक फंड ट्रांसफर की सुविधा है, जिसके जरिए स्मार्टफोन पर फोन नंबर और वर्चुअल आईडी की मदद से पेमेंट की जा सकती है। ये इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफर के मैकेनिज्म पर आधारित है। नुकसान पहुंचाने वाले एप्लीकेशन आपके फोन के माध्यम से आपकी निजी जानकारी का पता लगा सकते हैं। आपको ऐसे एप्लीकेशन से बचना चाहिए। अपने यूपीआई पिन को संभाल कर रखें क्योंकि इससे फ्रॉड हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।